भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश भाजपा की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर एक दिवसीय दौरे पर फिलवाड़ा पहुंची, जहां गुजर समाज की मातृशक्ति और देवशक्ति महिला संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद डॉक्टर अलका गुजर ने लोकवाणी से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 4 जगह उपचुनाव है। भाजपा संगठन आधारित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम हर पार्टी से एक कदम आगे चलते हैं। हमारा संगठन चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं रहता है, अनवरत चलता रहता है। संगठन के निरंतर काम करने से मुझे आशा के साथ विश्वास है कि राजस्थान के 4 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा परचम लहराएगी। डॉक्टर अलका गुजर ने राजस्थान बजट 2021 पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 2 बजट के काम भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार को आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं है। वही राजस्थान भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, भाजपा एक मुखी है और एक मुखी रहेगी। महिला संगठन जो कि गुजर समाज के महिलाओं द्वारा बनाया गया एक संगठन है, समाज में जागरूकता लाने के लिए और बहुत अच्छे सोच के साथ ये इन्होंने संगठन बनाया है और आज उसका कार्यालय यहाँ खुल रहा है। जब तक हमारी बहनें सशक्त नहीं होंगी, जब तक मातृशक्ति सशक्त नहीं होगी, तब तक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना अधूरी है। इसी सोच के साथ समाज की महिलाओं के द्वारा यह चालू किया गया है और मैं साधुवाद देना चाहूँगी संगीता जी को कि जिन्होंने अपने यहाँ पर इसका ऑफिस चालू किया है। और मैं आज यहाँ इन सबको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जब भी इस संगठन को मेरी जरूरत रहेगी, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगी। देवशक्ति महिला संगठन के कार्यालय का भव्य शुभारंभ है और हमारी लाडली बहन गुजर समाज की सिरमौर अलका जी गुजर पधारी है और ये संगठन समाज के लिए बहुत कार्य करने वाला है और समाज की बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही मतलब कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाएगा जिनको करने से, जिनको देखने से भी महिलाओं को जागरूकता पैदा होगी। और मेन ये है कि हम हमारे समाज की बेटियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा। संगीता गुजर, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, देवशक्ति महिला संगठन।